बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नायला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे नुमाइंदा साजिद देवान की रिपोर्ट के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया जाए। जेल से बाहर आते ही पुलिस वालों ने दोबारा गिरफ्तार किया। शाह महमूद कुरैशी चीखते चिल्लाते रहे। मीडिया के लोग आ गए हैं, मीडिया के लोग आए आगे। मैं जेल की हदूद से बाहर नहीं जाऊंगा। प्लीज रिकॉर्ड माय स्टेटमेंट। बोलो फ्रॉम द मीडिया। बट इफ दे विल नॉट देन यू रिकॉर्ड इट। मीडिया वाले भाई आ जाए, इधर तक आए, आप लोग इधर तक आ जाए। आप दे कैन स्टैंड हियर, नो वन कैन स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग हियर। आए आए, इधर आए। आपने मुझे यहाँ हाथ लगाया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे रिहा किया। मैं आपके नाम जमाल साहब, आपके तारिक साहब, आपका अदर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूं। बात यह है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया। जेल के अंदर मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। मेरी जमानत का ऑर्डर आया अडियाला जेल। जज साहब ने रोप कार पर दस्तखत किए। रोप कार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था सुप्रीम, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस का, 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है, ये इन्होंने मुझे कल, जज ने रोप कार पे साइन किया मेरी रिहाई का, 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एनपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इश्यू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजर बंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने तो काफी हो गया। नहीं सर, आप नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। ये तरीका है इन पुलिस वालों का, हमारे लीडरों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। Quickly send this video to someone. अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 7 पॉइंट नेटवर्क।